मैं सुबह 3 बजे मेरठ से निकला था, मुझे अहमदाबाद जाना था। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि फ्लाइट रद्द हो गई है। मेरी फ्लाइट सुबह 6:10 पे थी। ये फ्लाइट है 32A क्राफ्ट गोयर, हाँ गोयर, गोयर का है। सुबह 3 बजे उठ के मैं मेरठ से यहाँ के लिए आया हूँ, और यहाँ आने के बाद मुझे जानकारी हो रही है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। कोई ठीक से बताने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इतनी परेशानियां हो रही हैं, इतने जरूरी काम थे हमारे, वो सारे के सारे रुक गए। फ्लाइट वालों को कम से कम सोचना चाहिए, सारे पैसेंजर्स परेशान हैं। नहीं, किसी ने कोई जानकारी नहीं दी, कोई संतोषजनक जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। फ्लाइट भी कब होगी, क्या होगा, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। अब मैं वापस लौट रहा हूँ, क्या करूँ। मुझे वहाँ यूनिवर्सिटी में जाना था, अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में, इसलिए मुझे वापस लौटना पड़ रहा है। मेरे सारे जरूरी काम रुक गए हैं, वहाँ कॉन्फ्रेंस थी उसको मैं अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, और इतना खर्च भी हो रहा है। मैं मेरठ से यहाँ तक आया हूँ, अब वापस मेरठ जाऊंगा। कोई दूसरा साधन नहीं है कि मैं अहमदाबाद पहुंच सकूं इस वक्त। तो ये परेशानी की बात तो है, सारी सवारियां परेशान है। हमने पूरा मुश्किल से एक हॉलीडे प्लान किया था लेह के लिए विद फैमिली, और सारे टिकट्स बुक कर लिए थे, होटल्स बुक कर लिए थे। आज वेडनेसडे 3rd of May से लेके 8th of May तक के लिए जाने की फ्लाइट हमारी गोएयर के साथ थी, और आने की फ्लाइट हमारी स्पाइस जेट के साथ थी। अभी इंसिडेंट ये हाइट इसमें ये है कि थर्ड को जब हम जा रहे हैं तो गो एयर कह रहा है कि मेरी फ्लाइट चल नहीं रही है, और आपको अगर लेना है तो आप पूरा रिफंड ले लो, वी डोंट केयर। मेक माई ट्रिप कह रहा है कि मेरी साइट चल नहीं रही है हम, और हम आपका स्पाइस जेट वाला कह रहा है कि हम आपकी पूरी पेनल्टी काटेंगे, जो 80% आपने पेमेंट दिया है, क्योंकि इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है। और जब इसके वो 80% पेनल्टी काट रहा है स्पाइस जेट, और मेक माई ट्रिप बोल रहा है कि मैं उस पेनल्टी के ऊपर मैं सर्विस चार्जेस और कन्वीनियंस फीस भी चार्ज करूंगा। जो टिकट मैंने बुक किया उसका 90% पेमेंट ये लोग वापसी में भी दे आर ईटिंग अवे विद फ्रॉम अस। दे शुड बी आंसरेबल व्हाई आर दे अलाउिंग दिस टाइप ऑफ द एयरलाइंस एंड दिस टाइप ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर हु आर नॉट ओनली हरेसिंग कस्टमर बट दे आर चीटिंग, दे आर ब्लफिंग एंड दे आर चीटिंग द कस्टमर फॉर नो रीजन। They are cheating morally, they are cheating financially, and they are jeopardizing all those country losses, because I have planned the I can do so many good things in these 4 days, but I planned the holiday, but now I am not able to do those things because I cancelled all of my appointment because of this holiday, and now this flight is cancelled. I am getting and I paid to hotel full money, and now hotel will also not refund me the money because of the go air, and make my trip is washing away the hand. I want to know, Mr. Kalla of make my trip, why this they are allowing this airlines to continue with their portal. And why I am asking the same thing to the minister of this aviation ministry, how these people are doing this.